12 वोल्ट के बैटरी के दोनों टर्मिनल को अगर पकड़ लिया जाए तो करंट लगेगा या नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो क्यों लगेगा, नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा, इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को, लगभग 95% लोगों को ये पता है कि 12 वोल्ट बैटरी के दोनों टर्मिनल को अगर पकड़ लिया जाए तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि करंट क्यों नहीं लगता। तो आज के वीडियो में ये डाउट को क्लियर कर देंगे, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंसान को करंट जो है वो किस चीज़ से लगता है, करंट से लगता है या वोल्टेज से लगता है। जी हाँ, इस टॉपिक पे हालांकि मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, सेपरेट वीडियो, लेकिन आज मैं डिटेल से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी आपको जरूर दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड कि इंसान को करंट जो है, झटका जो है, वो करंट से नहीं वोल्टेज से लगता है। जी हाँ, अगर आप वोल्टेज को बहुत कम कर दो और करंट को कितना भी बढ़ा दो, झटका नहीं लगेगा। लेकिन वही काम करो, करंट को बहुत कम कर दो और वोल्टेज को बहुत बढ़ा दो, तो देखना आप इंसान को करंट यानी झटका लग जाएगा। इसी पॉइंट से रिलेटेड वो क्वेश्चन था। जी हाँ, जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो यहीं पे निकल के आ गया सामने। जी इंसान को करंट जो है यानी झटका जो है वो बैटरी से इसलिए नहीं लगता क्योंकि बैटरी में वोल्टेज बहुत कम होता है। जी हाँ, आप बैटरी के अब वोल्टेज को जान ही रहे हो कि 12 वोल्ट का बैटरी है तो वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है, लेकिन एम्पेयर उस बैटरी में कितना है, बहुत ज़्यादा है। कितना एम्पेयर है, 100 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 150 एम्पेयर, जितना भी एम्पेयर हो ये बहुत ही ज़्यादा एम्पेयर है। इतना एम्पेयर में तो इंसान का क्या हो जाए पता नहीं, कह नहीं सकते। लेकिन इंसान को करंट लगने के लिए, झटका लगने के लिए एक एम्पेयर भी काफ़ी है, एक एम्पेयर का मिली एम्पेयर भी काफ़ी है। अगर मिली एम्पेयर भी रहेगा तब भी इंसान मर सकता है, लेकिन यहाँ तो 150 एम्पेयर, 200 एम्पेयर का बैटरी है, फिर भी इंसान नहीं मरता है। और वो नहीं मरता है, वजह होता है सिर्फ वोल्टेज। तो यहीं पे एक काम कर दिया जाए कि वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए। आप एक काम करो, आप एक बैटरी नहीं, आप 4-5 बैटरी कम से कम लो, ठीक है, सबको सीरीज में जोड़ो। मतलब एक बैटरी का माइनस दूसरे के प्लस से, फिर उसका माइनस तीसरे के प्लस से, इस तरह के सीरीज बना लो 5-6 बैटरी का, फिर उसके दोनों टर्मिनल को, लास्ट वाले टर्मिनल को छू के दिखाओ, तो मानूंगा कि आपको झटका लगता है या नहीं लगता है। जी हाँ, ऐसा प्रैक्टिकल करना भी मत आप भूल से, अगर करोगे तो आप डेफिनेटली छूटोगे नहीं, आपको करंट लगेगा ही लगेगा। क्योंकि डीसी करंट में, करंट आप सुने होंगे, कुछ लोग तो जरूर ये सुने होंगे कि डीसी करंट में अगर करंट लगेगा तो छूटेगा नहीं, एसी करंट में करंट लगेगा तो छूटने का चांस रहता भी है, लेकिन डीसी में नहीं रहता क्योंकि वो नाम ही है डायरेक्ट करंट, बिना ब्रेक के। तो इसलिए आप उसको उस कंडीशन में छूओगे तो आपको करंट लगना है और आप छूट भी नहीं पाओगे। आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको डिटेल्स में बता दूँ फिर से कि आप ढेर सारा बैटरी लो, सबको सीरीज जोड़ो, वोल्टेज को कर दो, मतलब 12 नहीं है, आप 100 के आसपास पहुंचा दो वोल्टेज को, ठीक है, 100 से ज़्यादा पहुंचा दो, फिर उसको छुओ, आपको डेफिनेटिव करंट लगेगा, जो चाहे छुए उसको करंट लगेगा। अब बात यहाँ ये आ जाती है कि हमें 12 वोल्ट पे फिक्स करंट झटका क्यों नहीं लगता, इसलिए क्योंकि वोल्टेज उस समय बहुत कम होता है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आता है, तो इंसान को कितने वोल्ट से झटका लगना यानी करंट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम 12 वोल्ट पे छुड़े हमें नहीं लग रहा है, लेकिन भाई 100 वोल्ट पे छुड़े तो हमें लग रहा है, वही बैटरी जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तब। तो वहाँ होता इसलिए है क्योंकि इंसान का जो टिश्यू होता है, शरीर का जो स्किन होता है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग करंट का, उसका मतलब आप बोल सकते हो उसका रेसिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ पे छुओगे उसका रेसिस्टेंस कुछ और होगा, अगर यहाँ पे करोगे तो उसका रेसिस्टेंस कुछ और होगा। यहाँ पर जहाँ का चमड़ी जो स्किन है वो पतला है, यहाँ पे मोटा है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे करंट लगने का चांसेस कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा और जल्दी होगा। उसी तरह जो नाजुक होगा, जो स्किन नाजुक है, पतला है, तो उसमें करंट लगने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। अब किसी किसी का हाथ जो होता है, मान लो वो 50 वोल्ट के किसी बैटरी को, या फिर एक बैटरी तो हो नहीं सकता, 2-3 बैटरी मिला के बोल रहा हूँ, अगर 50 वोल्ट का कोई बैटरी है या फिर एसी करंट क्यों ना रहे, अगर वो छू रहा तो किसी किसी को झटका लग जाता है, लेकिन किसी किसी को नहीं लगता है। क्योंकि उसके हाथ के, मैंने बोला आपको, स्किन पे डिपेंड करता है कि उसका स्किन का रेसिस्टेंस कितना है। मतलब उसका हाथ जितना खुरदुरा, या फिर ये बोल ले कि जिसका स्किन है वह टफ है, टाइट है, देन उसको करंट लगने का चांसेस जो है उतना कम होता है। जिसका सॉफ्ट है उसको करंट लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो यही एक मेन फैक्टर है कि इंसान को करंट लगता है और कब करंट नहीं लगता है। अब बात यहाँ पे एक और आ गई है कि बैटरी में अगर 12 वोल्ट के जगह पर अगर ढेर सारा बैटरी रख दें तो क्या हमें इसे छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए। तो बिल्कुल आपको नहीं छूना चाहिए, उस कंडीशन में क्या होगा, आपको करंट लगने का चांसेस रहेगा। बहुत सारे केस में ऐसा होता भी है कि हम बैटरी को क्या करते हैं, सीरीज बनाते हैं, ढेर सारा बैटरी को जोड़ जोड़ के सीरीज बनाते हैं, उस कंडीशन में हम छूते हैं तो हमें करंट लगने का चांसेस होता है, इसलिए वहाँ पर हम सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। और बात करें यहाँ पर कि अगर एक बैटरी में एम्पेयर, यहाँ पर 150 एम्पेयर है ना, तो वही अगर मान लो कि आपको
सात बैटरी या दस बैटरी को जोड़ लियो, ठीक है, कितना वोल्ट हो गया, 120 वोल्ट हो गया। अब वहाँ पे एम्पेयर सिर्फ एक रहे, मतलब एक एम्पेयर का पूरा बैटरी हो गया, ठीक है, या फिर उससे भी कम मिली एम्पेयर रखे, तब भी करंट लगेगा, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गया। इंसान को करंट लगने का क्षमता होता है, मतलब जो कैपेसिटी जितने वोल्ट से स्टार्ट हो जाता है, तो वो है 45 वोल्ट। जी हाँ, एक इंसान को 45 वोल्ट से करंट जो है फील होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, फील होना तो चलो 2.5 वोल्ट में स्टार्ट हो जाता है। आप बोलोगे कैसे, तो आप एक घड़ी का बैटरी लो, छोटा सा जो घड़ी का बैटरी होता है छोटा सा, उस बैटरी को आप डायरेक्ट छू, आपको फील नहीं होगा, लेकिन उसको आप जीभ में टच करो, जीभ में लगाओ तो हल्का लगेगा, चुन 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 करेगा, ऐसा थोड़ा सा फील होगा उसमें जीभ में डालने के बाद। अब हो रहा है ना, सिर्फ 2.5 वोल्ट या 3.5 वोल्ट है, फिर भी आपको फील हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने डायरेक्ट कहाँ डाला, जीभ में, और जीभ बहुत नाजुक है, स्किन जो है बहुत नाजुक है, और वो अंदरूनी भाग हो गया, इस वजह से वहाँ पे आपको फील होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपको 10 वोल्ट पे छूड़े आप झटका नहीं लग रहा है, आप वैसे जगह छू रहे हो जहाँ पे आपको झटका नहीं लग रहा, जैसे कि स्किन हाथ पे, आप उसी चीज़ को आप मुँह पे लगा के देखो, फिर देखो झटका लगता है कि नहीं लगता। तो यही अगर रही बात कि नॉर्मल अगर वोल्ट बोला जाए तो 45 वोल्ट है कि नॉर्मल इंसान को फील होना स्टार्ट होता है, यानी कि करंट लगना, फील होना स्टार्ट हो जाता है डायरेक्ट हाथ पे। तो आज की वीडियो में आपने समझ लिया कि बैटरी से एक झटका लगता है या नहीं लगता है, तो आंसर था कि नहीं लगता सिंगल बैटरी से। क्यों नहीं लगता वो भी आप समझ गए कि यहाँ पे वोल्टेज बहुत कम होता है, इस वजह से करंट या फिर ये बोले झटका नहीं लगता। अब भी कोई डाउट आपका रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।